नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़ 24। महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों का लगा लुधियाना के प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर कालीनाथ कालेश्वर महादेव धाम में तांता। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर भोले शिव शंकर की पूजा अर्चना करते दिखाई दिए और अलग अलग शहरों के मंडल ने आकर जहाँ पर लंगर भी लगाया। लुधियाना से विनोद कश्यप और हरप्रीत हनी की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मगर मैनू कुछ मैं इन्ना पता कि जेड़ा भी इतना आता मतलब आसमरा जरूर। कुमार मैं लुधियाने तो आया, मैं 4-5 साल हो गए इतने आते। बहुत ही वधिया जगह, एक पासे ब्यास नदी है, एक पासे शिव जी का मंदिर है महाकाल का, और बहुत ही दिल में खुशी मिलती है इतने आके। इतने सच्चे मन में जेड़ा भी आता है वो बाबा मुरादा पूरिया करता, जो वो सारे महाशिवरात्रि दी बहुत बहुत शुभकामना। जय बोले। कैमरामैन कुणाल अभी के नाल विनोद कश्यप, इंडिया क्राइम न्यूज़ 24। ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਸਰਾਏ ਰੋਡ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ 2008 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਮਣੀ ਮਹੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਵਾ 20-21-22, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਆਉਂਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਗਰ ਅਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਕਸ਼ਯਪ, ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ 24। काले एक कालीनाथ मंदिर का महंत है। हम 150 साल से है, 300 साल से है हमारा गुरु परंपरा है। इस मंदिर में भगवान कालीनाथ कालेश्वर महाराज नाम पर है, शिव जी का
पिंडी के रूप में इधर दर्शन हो रहा है। इस मंदिर में जलंधर राक्षस के वधन करने के बाद काली माता ने यहाँ तपस्या करने के लिए आया हुआ था। इधर शिव जी ने प्रकट हो गया, इसलिए दो रूप है पिंडी के रूप, पिंडी के अंदर उसमें शिव जी का भी चढ़ावा होता है, माता जी का भी चढ़ावा होता है। यहाँ पांडवों ने भी इस पिंडी के दर्शन के लिए आया हुआ था। वो पांडवों ने एक रात रुका है इधर, उस रात में इधर पांडव मंदिर भी बनाए हैं, वो आधा रह चुका है। फिर उन्होंने कुंभ का स्नान करने के लिए पंचतीर्थ के पांच तीर मार के वो तीर्थ बनाए हैं। तो यहाँ महाशिवरात्रि मेला है, उसके बाद बैशाखी मेला, फिर श्रावण महीना में हर सोमवार यह मेला लगता है, फिर सोमवारी अमावस्या में भी श्रद्धालु सभी आता है पंचतीर्थ में स्नान करके यहाँ कालीनाथ मंदिर में माता के लिए। बाबा जी यहाँ पे हर साल कितने श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए? हर साल मतलब मेला समय में कम से कम 30-50 हज़ार लोग आते हैं, क्योंकि ना बैशाखी मेला में तो 30-40 हज़ार लोग रहते हैं, बाकी दिन में 500 से 1000 शनिवार आदिवार में। फिर आमदनी चिंतपूर्णी बगड़ा जौला जी की तरह नहीं है, आमदनी कम है।